जब सूर्य की चमक बिखरे तो भला हिंदुस्तान को कौन रोक सकता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ स्काई की आंधी आई और टीम इंडिया को उन्होंने बंपर जीत दिलाई। पहले दो T20 में सूर्य कुमार यादव जो नहीं कर पा रहे थे वो उन्होंने आज आसानी से किया। सूर्य कुमार यादव की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने तीसरे T20 में वेस्टइंडीज को हराया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को जिंदा रखा है। टीम इंडिया अब भी वेस्टइंडीज से 1-2 से पीछे है। सूर्य कुमार यादव को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा कि पिच कैसी है, सामने गेंदबाज कौन है। एक बार फॉर्म में लौटे तो टीम को जीत के करीब पहुंचा कर ही पवेलियन लौटे। जिस मैच में टीम इंडिया पर प्रेशर था, जब हिंदुस्तान के लिए जीत जरूरी थी, जब देश की ताक दांव पर लगी थी, उस वक्त स्काई ने अपना दम दिखाया। स्काई भले शतक से चूक गए हो, लेकिन हिंदुस्तान की जीत सुनिश्चित करने के बाद भी वो पवेलियन लौटे। स्काई ने 44 गेंदों पर 83 रन की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 10 चौके और 4 सिक्स लगाए। कल तक भारत की जो T20 टीम कमजोर नजर आ रही थी, वो टीम आज सूर्य कुमार यादव की एक ही पारी से मजबूत नजर आ रही है। स्काई ने अब तक भारत के लिए 51 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा उनके T20 इंटरनेशनल में 100 सिक्स भी पूरे हो गए। सूर्य कुमार यादव के अलावा एक बार फिर से तिलक वर्मा ने अपना क्लास दिखाया। पहले उन्होंने स्काई के साथ साझेदारी की और फिर कप्तान हार्दिक के साथ मिलकर टीम को जीत तक पहुंचाया। तिलक वर्मा ने ये साबित कर दिया कि वो एक मैच के हीरो नहीं बल्कि कंसिस्टेंट खिलाड़ी है। भारतीय टीम ने आज अपनी साख तो बचा ली है, लेकिन सीरीज जीतने के लिए हार्दिक के लड़ाकों को अभी और भी दम लगाना होगा।